हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। होप यू गाइस ऑल आर फाइन। तो स्वागत है आपका हमारे नए ब्लॉग्स में। गाइस, ब्लॉग की शुरुआत हो रही है घर से। बिकॉज गाइस, अभी मैं फिलहाल रेडी हो रहा हूँ जाने के लिए चंबा। जैसा कि आपको पता है, हमारा रोज का रूटीन चंबा नई टिहरी। बट गाइस, मैं परसों कंसाली भी गया था, वो मैंने ब्लॉग नहीं बना पाया, टाइम नहीं लगा इतने दूर जाने में। तो गाइस, फिलहाल मैं अभी रेडी हो रहा था और मेरे यहाँ पे शूज़ तो मिल गए थे मेरे को, बट मेरे को सॉक्स नहीं मिल रहे थे। और मैं कम से कम 10 दिन से अपने सॉक्स ढूंढ रहा था, मेरे को मिल ही नहीं रहे थे। बट गाइस, आज मेरे को अपने सॉक्स भी मिल गए हैं पुराने, जो मतलब थे मेरे। तो मैंने एक चीज़ देखी गाइस, अगर हम किसी चीज़ को ज़्यादा पीछे पड़े ना, पूरा घर छान मरा था। मैंने मेरे को एक सॉक्स तो मिल रखा था, दूसरा सॉक्स नहीं मिला। और जब मैंने आज छोड़ दिया था, मैंने चल कोई नहीं मिलेगा, जिस दिन मिलेगा उसी दिन पहनूंगा। तो गाइस, आज सॉक्स खुद मिला मेरे को। तो इसलिए बोलते हैं कि किसी चीज़ के पीछे इतना ज़्यादा मत पड़ो कि वो तुमसे दूर दूर जाए। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में रहो, वो चीज़ खुद तुम्हारे पास आएगी। और ये बात सॉक्स के लिए नहीं थी, ठीक है। तो चलो गाइस, होते फटाफट रेडी और जाते हैं सीधा चंबा। पहनता हूँ फटाफट शूज। फाइनली हो गया हमारे रेडी और हो चुके मेरे को खतरनाक वाली बियर, इसलिए फटाफट भागता हूँ गाइस, वरना गाड़ी छूट जाएगी मेरी। गाड़ी के छूटने में सुलह तक जा रहा हूँ गाड़ी पर, बट फिर भी छूट जाएगी। तो सुलह तक पैदल जाना पड़ेगा इस धूप में, गंदी वाली धूप में। चलो गाइस, चलता हूँ फटाफट से पहले सुलह तक। तो देखिए दोस्तों, हम आ रहे थे अभी चंबा से वापस, और चंबा से वापस आते ही लग गई है यहाँ भयंकर वाली बारिश, जिसको बोलते हैं बहुत ही भयंकर वाली बारिश। तो यही है पहाड़ों में, अभी महीना चल रहा है हमारा, क्या बोलते हैं यार से मई का। बट ये देखिए आप, इतनी ख़तरनाक बारिश हो रही है, मैं घर भी नहीं जा पा रहा गाइस। बारिश रुकती तो मैं घर लग जाता फटाफट से, बट क्या करूँ, ऐसी मोटी मोटी बारिश आ रही है ना भाई, खतरनाक ही वाली, जिसको बोलते हैं खतरनाक भयंकर। गाइस, एक चीज़ बताऊँ, जब पहाड़ों सारे वहाँ मतलब प्लेन्स में बारिश होती है तो लोग ढूंढते हैं छाता या रेन शेल्टर, और जब पहाड़ों में बारिश होती है तो हम ढूंढते हैं पेड़, बिकॉज इन पेड़ों के नीचे बारिश बहुत कम आती है। अभी देखो, मैं सुलह से आ रहा था, अब देखा बारिश को गाड़ी मिल गई थी मेरे को, मैं फटाफट से आया, सांस में ले पा रहा है कैसे बोलूँ, मैं फटाफट से आया और मैं सीधा यहीं पर रुका। यहाँ पर क्यों पेड़ है तो बारिश कम पड़ रही है यहाँ पर, अब जैसे थोड़ा कम होगी मैं सीधा घर भागता हूँ, सीधा आप मिलते हैं आपको घर में। बंद नहीं हो रहा गाइस, पहुंच चुका हूँ मगर मम्मी जो तुम्हें बनाओ यार ब्लॉग, मेरे पास की नहीं, मैं भी नहीं बनाओ ना यार। नो इसे यहाँ से पकड़ो इसको। अरे बारिश हो रही है यहाँ, और हम मेरा बेटा भाग भाग के आया बारिश में और भीग गया, उसका सांस फूल रहा है, इसलिए मैं चाय बना ली, उसको गरम गरम चाय दूंगी गाइस, और उसको ठंड लग गई है तो उसको चाय दूंगी मैं गरम गरम। और क्या लोगे? और गरम गरम बिस्कुट। गरम गरम बिस्कुट। तो गाइस, किसके लिए बिस्कुट? तो गाइस, मम्मी ने ऐसे बोला होगा जैसे कोई पाठ नहीं पढ़ता, ऐसे बोल रहा हूँ, मैंने जैसे कोई पाठ पढ़ते हैं मम्मी। हाँ, पाठ ही तो पढ़ा है जैसे मैं पढ़ा, जितनी पढ़ते पाठ तो कैसे बोलते हैं सर गणित ना 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 ना, ऐसे पढ़ो मेरी मम्मी ने। ओ मेरी मम्मी पढ़ गाइस, मैं बहुत भीग के आया, देखो ये देखो ये चिन्ह पता चल रहा है। पर गाइस, अब मम्मी बनाए मेरे लिए चाय, ऐसे मत सोचना कोई कोइंसिडेंस है, मैंने फोन कर दिया था, कोई कोइंसिडेंस नहीं है, मम्मी को मैंने फोन कर दिया था तब मम्मी बना रही चाय। मैंने तुमने किया क्या नहीं किया बहुत ठंड लग गई है, और इसको ठंड से बचाने के लिए हम चाय बना रहे, गरम गरम चाय और बिस्कुट देंगे इसको गरम गरम। चैन की सांस लेगा, चैन की सांस लेगा। ओ भाई मारो, मुझे मारो। ओ भाई, फाइनली हमारे यहाँ बारिश रुक चुकी है गाइस, बहुत देर के बाद यहाँ बारिश रुक चुकी है। और अभी तुम्हारा भाई जा रहा है सुलिया धार, आप बोलेंगे कितना जाता है, बट गाइस हमारे कुछ दोस्त लोग हैं, जैसे सुशील भाई लोग हो गया, मतलब ज़्यादा दोस्त नहीं है मेरे यहाँ, यहाँ के मतलब मेरी दोस्ती नहीं है ज़्यादा गाइस, सही बात तो यही है,
कहीं अगर नहीं बहुत सारे दोस्त रहते हैं, मैं बहुत सारे दोस्त नहीं हूँ, मेरे बहुत कम लोगों से बनती है, बट जिनसे बनते हैं ना तबाही बनती है। हमारा सुशील भाई है जैसे, एक उनसे हमारी बहुत अच्छी बनती है। तो सुशील भाई कल जा रहा है जम्मू कश्मीर ड्यूटी पे, इंडियन आर्मी जम्मू कश्मीर, तो आज मैं उसको मिलने जा रहा हूँ बिकॉज वो कल ड्यूटी चला जाएगा। तो फिर हम बहुत टाइम बाद मिलेंगे, फिर चलो गाइस दिखाता हूँ आज अपने दोस्तों में स्क्वाड, अगर ऊपर बना देंगे तब ना वो बहुत खतरनाक डैलो मारते हैं, या फिर कहीं वो बोलते हैं अभी बंद कर कैमरा, अभी बंद कर, तो जो भी होगा देखते हैं गाइस। चाय पर ये चाय हमें सुंघाने के लिए, क्यों सूरज भाई? हाँ चल रही लौंडों की चाय पार्टी, कुछ और में समझना। मटका वाली चाय टेस्टी होती है, बहुत टेस्टी होती है। अन्ना भाई, अन्ना भाई कुछ कॉमेडी। चढ़ा तुम्हें पूरा देश देख रहा है अन्ना भाई, तुम क्या बोलना चाहोगे? पूरा देश तुम्हारा इंतजार कर रहा है। और चुप भाई अन्ना भाई, अन्ना भाई पूरा देश बोल रहा है तुमने चम्मा में आज ऐसा क्या किया। पूरा देश जानना चाह रहा है, बताओ। ठीक है तो अगली बार मिलते हैं, हाँ तो मिला यार भाई, जाते हैं यार, कह रहे हमारे भाई देखो रो रहा है जाते टाइम। तो दोस्तों हमारे दोस्त चले गए ड्यूटी वापस, और यहाँ हमारा कबीर सिंह, सस्ता कबीर सिंह, ऐसे पता नहीं क्या क्या बोलता है इसके, देख रहे हो ये देख रहे हो ना ना गाइस, आप इससे जानते दिखाऊंगा मैं, ये पता नहीं क्या क्या सकता है, पता नहीं क्या क्या पदार्थ है लोगों को पता चलो कि यार कोई बड़ी फेमस। अब जब मैं तो गाइस ये हमारे क्लास का टॉपर था, अब जब मैं बड़ा आदमी पढ़ जाऊं ना तब तक बने यार मेरे दोस्त है यार। ओ भाई हिंदी में बोल रहे हैं भाई, थोड़े लोग समझेंगे यार भाई हिंदी में, यार ब्लॉग सब गड़ाली लोग एकदम यार हिंदी में। कबीर सिंह है भाई ये हमारा, ये एक टाइम पे हमारा टॉपर था स्कूल, जैसे कबीर सिंह था अपने स्कूल में टॉपर, फिर ये कबीर सिंह बन पाया, एक ने इसका बहुत गंदा काट दिया था। मेरे को हो चुकी थी देर घर जाने के लिए, और अब कबीर सिंह जा रहा है मेरे को छोड़ने। वैसे कबीर सिंह भाई बहुत खतरनाक ड्राइवर है, इसलिए अपने इंश्योरेंस नहीं करवा रखा, तो तुम मत बैठना। अंधेरे नगरी चौपट राजा टका शेर बाजी टका शेर कुछ दिख नहीं रहा है भाई आगे।